नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन्स। तो पॉलीगन क्या है? पॉलीगन एक ऐसी शेप है, पॉली पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो नॉर्मली इस रेगुलर पॉलीगन को लेंगे हम मोर देन टू साइड्स जिसके जिस फिगर के अंदर आएंगी तो उसको मानेंगे हम पॉलीगन, ठीक है। पॉली गन यानी फिगर विद मोर देन टू साइड्स, ठीक है। एक तो ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये टू डायमेंशनल होगी। टू डायमेंशनल का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ की बात करेंगे हम, हाइट की बात जो हम इसमें नहीं करेंगे। हाइट जो है इसमें नहीं आएगा, सिर्फ दो डायमेंशन आएंगे, लेंथ या फिर ब्रेड्थ, इससे ज़्यादा तीसरा कोई डायमेंशन जो है वो नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास देखना है कि रेगुलर पॉलीगन से पहले हमें देखना पड़ेगा कि पॉलीगन है कौन कौन से हमारे पास। तो पॉलीगन देखेंगे, पॉलीगन कौन कौन से हमारे पास। तो ट्राइंगल भी जो है, ट्राइंगल वो भी एक पॉलीगन है। उसके अलावा ट्राइंगल के अलावा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। जो ट्राइंगल है वो थ्री साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल जो है फोर साइडेड फिगर है। उसके अलावा पेंटागन आ गया, पेंटागन ये फाइव साइडेड फिगर है। उसके अलावा और हमारे पास क्या है, हेक्सागन है जो कि क्या है, सिक्स साइडेड फिगर है। उसके अलावा हेक्सागन के अलावा हेप्टागन, देन ओक्टा है, गन साथ में आएगा GON, फिर नो नो ना गॉन, नो ना गॉन है, देन हमारे पास डेकागॉन है। हेप्टागन में सेवन साइडेड फिगर है, ओक्टा जो है एट साइडेड फिगर है, नोनागोन जो है नाइन साइडेड फिगर और डेकागन जो है 10 साइडेड फिगर। इसके अलावा भी 11 साइडेड फिगर भी होगी, ऐसी एन साइडेड फिगर्स जो हैं वो पॉसिबल है पॉलीगन के अंदर, ठीक है। यानी पॉलीगन एक बहुत बड़ा रेंज है, ठीक है। जो हमारे सिलेबस में बोला गया वो बोला गया रेगुलर पॉलीगन। अब देखेंगे रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, क्या लिखा गया, रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन तो आपने देख लिया पॉलीगन क्या है, लेकिन रेगुलर पॉलीगन क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, ऑल साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी उसके अंदर जो एक तो सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए और जो इंटीरियर एंगल्स है वो बराबर होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। दो कंडीशनें कौन सी, फर्स्ट कि एक तो अगर साइड्स हैं, जैसे एक ट्राइंगल मान लेते हैं हम, ट्राइंगल है तो उसके अंदर तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए और उसके अलावा तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। ये तीनों एंगल जो हैं इक्वल होने चाहिए और ये तीनों साइड्स ए बी सी अगर ये हैं तो ये ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हैं और इनकी जो लेंथ है और जो एंगल्स हैं, ये एंगल है, इसको मान लो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, अगर ये इक्वल हैं तीनों एंगल तो ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। यानी एक तो ऑल साइड्स, तो ऑल साइड्स इसमें इक्वल हैं और दूसरा इंटीरियर एंगल्स भी हैं इक्वल होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। तो ट्राइंगल में रेगुलर पॉलीगन कौन सा आ गया, ट्राइंगल में एक ही फिगर है जो कि रेगुलर पॉलीगन है, वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल और उसके अलावा ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और इसके बारे में हमने पीछे ट्राइंगल के चैप्टर में पढ़ा भी है कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो ये आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ अगर ये भी ए ही होनी चाहिए, ये लेंथ भी ए ही होनी चाहिए क्योंकि बराबर हैं तीनों, और ये एंगल जो है तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर होता है और जो आउटर जो साइड्स हैं उनको अगर सम करेंगे तो उनको पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये ए प्लस ए प्लस ए कितना आ जाएगा, 3a। तो 3a क्या है, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि एरिया इसका कैसे निकालते हैं, एरिया है रूट 3 बाई 4
साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, इसका ये फार्मूला होता है किसका, एरिया निकालने का इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, ये तो थ्री साइडेड ट्रायंगल क्या था, थ्री साइडेड फिगर। अब फोर साइडेड फिगर जो कि रेगुलर पॉलीगन फोर साइडेड फिगर वाला, तो वो कौन सा है, वो हमारे पास है स्क्वेयर। स्क्वेयर एक ऐसा पॉलीगन है जो कि रेगुलर है। रेगुलर क्यों है, क्योंकि एक तो इसकी सारी साइड्स जो हैं बराबर होती हैं, जैसे ये साइड जो है इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, ये बाकी उसके अलावा सारे एंगल जो है 90 डिग्री है। तो स्क्वेयर क्या है, स्क्वेयर है ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्या है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर आ जाएगा इन चारों साइड्स को ऐड करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4a आ जाएगा, यानी 4 इंटू साइड आ जाएगा। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया जो है इसका निकालते हैं साइड स्क्वेयर। ठीक है, तो इसकी साइड ए है तो उसका स्क्वेयर आ गया एरिया, तो ये आ गया क्वाड्रिलेटरल जो कि स्क्वेयर है, जिसका जो एक रेगुलर पॉलीगन है। उसके अलावा एक फाइव साइडेड फिगर भी देखेंगे। फाइव साइडेड फिगर देखने से पहले ये एक चीज़ वो नोटिस करने वाली है कि जो ट्राइंगल है उसके सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो हैं वो कितना होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, और स्क्वायर के केस में सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ये होता है 360 डिग्री। अच्छा, इसको सम ऑफ और ये निकालने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, n माइनस टू इंटू 180। ठीक है, जैसे अगर थ्री, अगर ये थ्री साइडेड फिगर है यानी अगर ट्रायंगल है, तो इसको क्या ट्रायंगल के केस में क्या करेंगे, n की वैल्यू डालेंगे 3 माइनस टू इंटू 180, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 180 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसीलिए ट्राइंगल का जो सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना है, वो 180 डिग्री। अगर ये फोर साइडेड फिगर है तो इस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 माइनस टू इंटू 180 ये आ जाएगा, 4 माइनस टू हो जाएगा 2 इंटू 180 आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे फाइव साइडेड फिगर हम, एक ही मैंने पेंटागन ड्रॉ किया, ये फाइव साइडेड फिगर है। ठीक है, तो हमें चाहिए लेकिन कौन सा, रेगुलर पॉलीगन पेंटागन, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इसके सारे साइड्स जो हैं बराबर होंगे। ठीक है, और उसके अलावा इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसका जो इंटरनल एंगल है होंगे वो कितने होने चाहिए, उसका मैंने अभी फार्मूला बताया आपको इंटरनल एंगल का, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। इसमें एन कितना है, नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है, इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स हैं पॉलीगन में, ये कौन से वाला है, ये पेंटागन है। ठीक है बच्चों, ये कौन सा है, यह है पेंटागन, इसमें 5 है, तो 5 माइनस टू इंटू 180 इक्वल टू 3 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा ये 540। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल जो जितने भी एंगल्स इंटरनल होंगे उनके कितना सम आ जाएगा, वो आ जाएगा 540 डिग्री के बराबर। ठीक है, और इंडिविजुअल एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 540 को हम किससे डिवाइड करेंगे, जितने वर्टिसेस, एक दो तीन चार पाँच, पाँच से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, 0 108, तो हर एक की एंगल कितना होगा, 108 डिग्री का होगा इसके अंदर, ये भी 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री। ठीक है, ये 108 डिग्री, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा इसका, क्योंकि फाइव साइड्स हैं तो 5a आ गया। ठीक है, पेरीमीटर सीधा सीधा उतना जाएगा, तो सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल कितना होगा, वो होगा 540, और इंडिविजुअल एंगल कितने होंगे, 108 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं, ये था पेंटागन, अब हेक्सागन की तरफ चलते हैं, हेक्सागन की तरफ चलते हैं। हेक्सागन में क्या होगा, सिक्स साइडेड फिगर होगी, हेक्सागन जो है सिक्स साइडेड फिगर होगी, जिसके सारे साइड्स जो हैं बराबर होंगे, ये भी ए होगा, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए और ये ए। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा 4 6a। ठीक है, जितनी साइड्स हैं तो नंबर ऑफ साइड्स
इनटू साइड, जो एक साइड का जो डिस्टेंस है ये उस मान लें वो, ठीक है, ये पेरीमीटर आ गया 6 से। अच्छा, इसके जो सम ऑफ इंटरनल एंगल कितने होंगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल, उसका फार्मूला हमारे पास है एन माइनस टू इंटू 180। हमारे पास एन इसमें है कितना है, हमारे पास एन है क्योंकि सिक्स साइडेड फिगर है, तो 6 माइनस टू इंटू 180, ये आ गया 4 इंटू 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18 चौके 0, 8 चौके 32, 4 7 20। तो इसके जितने भी ये सारा एंगल होंगे उनका सम कितना आ जाएगा, आएगा 720। और इंडिविजुअल एंगल्स कितने होंगे, इंडिविजुअल एंगल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये करेंगे हम 720 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो ये आ जाएगा 6 × 6, 6 × 12, 120। तो ये हर एंगल जो है 120 डिग्री का होगा, यहाँ पे भी 120 डिग्री, हर एंगल जो है 120 डिग्री का होगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चों हेक्सागन के बाद आ गया, फिर एक फिगर आ जाएगी, हेप्टागन आ जाएगा। हेक्सागन के बाद कौन सी फिगर आती है, हेप्टागन। फिर उसके बाद बच्चों आ जाएगा, हेप्टा के बाद आएगा ओक्टा, यानी 8 साइडेड फिगर, देन नोना गन, देन डेका गन। इतना बच्चों आगे एग्जाम में जो है आएगा भी नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए जो हेप्टागन है वो 7 साइडेड फिगर है, ओक्टा 8 साइडेड, नोनागन जो है ये है 9 साइडेड फिगर, और डेकागन जो है 10 साइडेड फिगर है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर होगा इसका 7 इंटू साइड, ठीक है। इसका कितना होगा पेरीमीटर, इसका होगा 8 इंटू साइड, जितनी साइड होगी एक। फिर इसका पेरीमीटर होगा, ये होगा 9 इंटू साइड, एक साइड की जो लेंथ होगी पेरीमीटर, इसका कितना होगा, इसका होगा 10 इंटू साइड, ठीक है। सिमिलरली सम ऑफ इंटरनल एंगल्स वो कितना होगा, फार्मूला हमारे पास है, हमारे पास कौन सा फार्मूला, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये आ जाएगा एन की वैल्यू 7 माइनस टू इंटू 180, 7 माइनस टू आ गया हमारे पास 5 इंटू 180, तो ये कितना आ गया 18 × 5 900 डिग्री आ गया इसमें। सिमिलरली इसमें कितना आ जाएगा, इसमें भी एन माइनस टू इंटू 180, एन की वैल्यू है 8, 8 में से 2 गए तो कितना 6, तो 6 इंटू 180 आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 × 8 = 48, 6 × 6 = 10, 1080 डिग्री। सिमिलरली इस साइड ये क्या आएगा, n माइनस टू इंटू 180, n की वैल्यू कितना है इधर, ये क्या निकाल रहे हैं हम, सम ऑफ इंटरनल एंगल निकाल रहे हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, ठीक है। तो ये किसमें, ये आ जाएगा n की वैल्यू 9, 9 माइनस टू आ गया 7, 7 इंटू 180, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0, 7, 8, 56, 5, 7, 7 × 7 = 12, 1260 डिग्री सम ऑफ इंटरनल एंगल। सिमिलरली इसमें कितना आ जाएगा, ये क्या है, सम ऑफ इंटरनल एंगल, यहाँ पे भी सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालेंगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल, ये भी कितना आ जाएगा, एन माइनस टू इंटू 180, एन की वैल्यू है 10, 10 माइनस टू हो गया 8, 8 इंटू 180, ये आ गया 0, 8, 8, 8, 4, 6, 8, 8, 8, 8, 14, 1440 डिग्री। तो बच्चों ऐसे जो है सॉल्व करना आपको, तो अब एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा वो तो देखना पड़ेगा, जब हम MCQ करेंगे तो देखेंगे और क्या इसमें से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ, एक बार इसको देखेंगे, एरिया ऑफ पेंटागन निकालने का एक फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको। ये हमने पेंटागन किया था, ठीक है, 5 साइडेड फिगर है, इसको निकालने का जो फार्मूला है बच्चों वो है हमारे पास
इसको लिखेंगे एरिया जो आ गया वन अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ फाइव इंटू फाइव प्लस टू और रूट फाइव या साइड स्क्वेयर। तो ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप ये देख लेना एक बार इसको, अगर जिसको देखना हो। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, एक और फार्मूला इसका एरिया निकालने का पेंटागन का, वो है हमारे पास वन अपॉन टू इंटू पेरीमीटर। पेरीमीटर तो आपको पता ही है, इसका पेरीमीटर क्या है, फाइव ए है। ठीक है, इसका पेरीमीटर फाइव ए है। पेरीमीटर इंटू एपोथम, ए पी ओ टी एच ई एम। एपोथम क्या है, एक यहाँ पे सेंटर इसका लेंगे, वहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इस सेंटर से इसकी एक लाइन ड्रा करेंगे इसके ऊपर, इसकी जितनी लेंथ होगी उसको क्या बोलते हैं, एपोथम। तो वन अपॉन टू इंटू पेरीमीटर कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू, पेरीमीटर आ गया फाइव इंटू साइड, तो साइड हमने ए ली है, तो फाइव ए इंटू एपोथम, एपोथम की लेंथ मान लो एल है, तो ये इंटू एल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका फार्मूला एरिया निकालने का और इसका पेंटागन का। ठीक है, आगे इनका एरिया निकालने के लिए आपको एग्ज़ाम में जो है पूछा नहीं जाएगा कि हेक्सागन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, या फिर हेप्टा ओक्टा नैनोजन डेकागन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर पूछा जा सकता है कि पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है, या फिर सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा, या फिर इंडिविजुअल एंगल, जैसे हमने इंडिविजुअल एंगल निकाला था, इसमें अगर इंडिविजुअल एंगल निकालेंगे कि पर एंगल कैसे होगा, यानी ये हर एंगल इसमें सेप्टागन वाली फिगर में हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस फिगर को हमने करना पड़ेगा 900 को 7 से डिवाइड। सिमिलरली इसमें क्या करना पड़ेगा, 1080 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से, तो हम इंडिविजुअल एंगल निकलेगा। इसमें 1260 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंडिविजुअल एंगल निकलेगा। सिमिलरली इसको करना पड़ेगा किसके साथ, 10 के साथ, तो इंडिविजुअल एंगल कितना 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 होगा वो इसे पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर देखेंगे एमसीक्यू में और क्या क्वेश्चन निकल के आते हैं इसके अंदर। थैंक यू।